हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रजनी जैन फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय सिरोही। टुडे वी शैल स्टडी अ पोएम। द नेम ऑफ दिस पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो। इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस इज द फर्स्ट पोएम ऑफ योर फर्स्ट फ्लाइट बुक। आई शैल ट्राई टू एक्सप्लेन इट फॉर यू इन अ सिंपल वे। वेल, बिफोर एक्सप्लेनेशन और मूविंग अहेड, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस पोएम की जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड यू आर नॉट अनफेमिलियर विद दिस नेम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम आपने पहले भी सुना है। एंड हिज फुल नेम इज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। हेयर यू कैन सी द फुल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही वॉज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874 एंड ही पास्ड अवे ऑन 29 जनवरी 1963। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बेसिकली एन अमेरिकन पोएट। But here I must tell you that during the initial stage of his career, जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, so at that time उनके जितने भी works थे वो सभी England में publish हुए थे, बजाय कि अमेरिका में publish होने के। हालांकि वो एक American poet थे, लेकिन इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में जितने भी अपने works जो इन्होंने लिखे थे वो सब England में publish हुए थे। इसके अलावा Robert Frost जो है, he was famous for realistic depiction of rural life। कहने का मतलब है रूरल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो रूरल लाइफ बेसिकली क्या होती है, ग्रामीण जीवन होता है, जो गांव का जीवन होता है, हम उसकी बात यहां पर करेंगे। तो उनकी पोएम में हमें जो नेचर है वो हमेशा दिखाई देता है। हर एक पोएम में आप देखेंगे कि नेचर यहां पर देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में आपने एक पोएम पढ़ी थी एंड दैट वॉज द वेरी फर्स्ट पोएम इन बिहाई बुक। एंड द नेम ऑफ दैट पोएम वॉज द रोड नॉट टेकन। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो उस पोएम में भी पोएट ने फॉरेस्ट का डिपिक्शन किया है। तो एक तरीके से फॉरेस्ट जो कि नेचर का ही एक पार्ट है, और उस पोएम में भी हमें नेचर के थ्रू अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से जो फ्रॉस्ट हैं वो हमें हमारी लाइफ में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी ऑर्डियल्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो अपनी पोएम के जरिए हमें एक सॉल्यूशन देते हैं। और वो सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग होता है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, और उस सॉल्यूशन की एक यूनिवर्सल अपील भी होती है। तो वेल, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर हम फ्रॉस्ट की बात करें यहाँ पर, तो उनकी जितनी भी पोएम्स हैं वो बेसिकली सोशल और फिलोसफिकल थीम बेस्ड ही होती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही वॉज ऑनर्ड फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, रिसीविंग 4 टाइम्स पुलिट्जर प्राइजेस। अगर आप हैरान हो जाओगे यहाँ पर ये जानकर कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इतने अच्छे पोएट थे कि उनको उनकी लाइफ टाइम में ही 4 बार ये जो प्राइज़ है, पुलिट्जर प्राइज़ जो है, ये उन्होंने रिसीव किया था। तो पुलिट्जर प्राइज़ जो है बेसिकली क्या होता है, ये एक अमेरिकन अवार्ड होता है और ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि एक तरह से लिटरेचर के फील्ड में, न्यूज़पेपर के फील्ड में, जर्नलिज्म के, या फोटोग्राफी, या फिर म्यूज़िकल कॉम्पोजिशंस जो होती है, इसमें से किसी भी फील्ड के अंदर जब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उस चीज़ के लिए इन लोगों को ये प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा ऑनर है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अपनी लाइफ के अंदर 4 बार ये रिसीव हुआ था। वेल, नेक्स्ट, हेयर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी 2 स्टैंजास, सो ईच इन 4 लाइन्स, एंड दिस इज योर पोएम डस्ट ऑफ स्नो। दिस पोएम सीम्स वेरी स्मॉल इन साइज। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर इस पोएम को देखोगे तो इसे देखने में आपको लगेगा कि ये पोएम बहुत ही छोटी सी है, बट आई मस्ट टेल यू हेयर दैट इट कन्वेज अ मीनिंगफुल मैसेज। पोएम के एंड में आपको लगेगा कि हाँ, ये पोएम जो है ये हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है वो, बहुत कन्विंसिंग मैसेज जो है वो दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शैल रीड दिस पोएम ऑल टुगेदर। लेट्स टेक अ लाउड रीडिंग। तो आप मेरे साथ इस पोएम को पढ़ेंगे। पोएम का नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Well, I have read this poem for you. Now, I shall explain a first stanza for you. Here we have a first stanza. In next slide, you can see we have this first stanza. And here I'm going to read it for you once again. तो एक बार हम फिर से एक बार इस स्टैंजा को हम रीड कर लेते हैं, क्योंकि हम अलग अलग स्टैंजा को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ।
द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. सो हेयर वी हैव फोर लाइन्स, और अगर आप फोर लाइन्स को ध्यान से देखेंगे तो इस हर एक लाइन का जो फाइनल वर्ड है आप उस पर उसको नोटिस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे. तो फर्स्ट लाइन के अंदर फाइनल वर्ड है क्रो, सेकेंड लाइन में है मी, थर्ड लाइन के अंदर है स्नो और फोर्थ लाइन में है ट्री. तो एक तरह से मैंने इनको जो रेड इंक से मैंने यहाँ पर किया हुआ है क्रो एंड स्नो, आप देखो इन दोनों का राइम आपस में मैच होता है. ठीक है, इसी तरीके से मी एंड ट्री, इन दोनों का राइम भी आपस में मैच होता है. तो एक तरीके से जब इस तरह से राइम मैच हो रहा होता है तो ये एक राइम स्कीम बनाते हैं. और इस तरीके से जो वर्ड्स आपस में एक जैसे मैच होते हैं, लाइक कि हम स्टार्टिंग से इसको लेंगे तो स्टार्टिंग में हमने क्रो को नाम दिया अ, ये हमारा अ लेटर आ जाएगा यहाँ पर. मी जो है वो क्रो से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, तो हम यहाँ पर इसको दूसरा लेटर देंगे, दैट इज बी. लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि क्रो और स्नो एक जैसे थे, क्योंकि हमने क्रो को यहाँ पर ए लेटर दिया है तो हम स्नो को भी वापस यहाँ ए लेटर दे देंगे. इसी तरीके से हमने मी को बी लेटर दिया था क्योंकि मी ट्री दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो हमने इसे भी बी लेटर दे दिया. सो ऑल टुगेदर इट मेक्स अ राइम. कैसी राइम बना रही है ये, ए बी ए बी. सो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, ए बी ए बी. ठीक है, नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि ये जो फोर लाइन्स हैं, ठीक है, देर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्मॉल इंसिडेंट. इन फोर लाइन्स के अंदर एक इंसिडेंट हो रहा है, एक बहुत ही छोटी सी घटना हुई है. और वो छोटी सी घटना बेसिकली क्या है, उसकी एक शुरुआत हम यहाँ पर करते हैं. सबसे पहले आप ये देखिए, यू हैव बीन गिवन टू पिक्चर्स. तो इन टू पिक्चर्स के अंदर आप ये देखो कि हम इनको पोइट मान लेते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, हम कह सकते हैं कि किसी वजह से ये बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे, बहुत ज़्यादा सैड थे, जिसकी वजह से ये बाहर नेचर में आ जाते हैं. जब ये बाहर आते हैं तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर दो चीज़ें इनके सामने हैं. फर्स्ट वन वॉज दी हेमलॉक ट्री, और सेकंड जो बात थी वो जो इन्होंने नोटिस की वो क्या थी, उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है. तो जो इनकी आंखों के सामने ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा ग्लूम फील कर रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत दुखी थे. दूसरा, इन्होंने अपनी आंखों के सामने कुछ दो ऐसी चीज़ें देख ली हैं जो कि बहुत ही नेगेटिव अप्रोच रखती हैं, ठीक है, जिनका बैड कॉनोटेशन है. अगर हम यहाँ पर हेमलॉक ट्री की बात करेंगे तो ये जो ट्री है इसको हम बहुत ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हेमलॉक ट्री का मतलब क्या है, अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स. इसका मतलब है हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के जो फ्लावर्स है वो आ जाते हैं. इसी तरीके से ये जो क्रो बर्ड है, अगर आप क्रो बर्ड को भी देखोगे तो जनरली जो पोएम के अंदर बर्ड्स आते हैं उसके अंदर हम मैना बर्ड की बात करते हैं, नाइटिंगेल की बात करते हैं, कुकू की बात करते हैं. सो ऑल दीज बर्ड्स जो होते हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं, सिंगिंग बर्ड्स माने जाते हैं. लेकिन क्रो जो है उसको हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं. क्रो जो है बिकॉज इट इज़ ब्लैक इन कलर, तो एक तरह से यहाँ पर हम इसको बैड ओमन मानते हैं, एक बुरा संकेत मानते हैं जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, ऑस्पिशियस नहीं होता है. और पोएट जो है वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा सैड हैं, इतने अनहैप्पी हैं, तो उनके सामने भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऐसी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं जो कि एक तरह से बैड कॉनोटेशन देती हैं. दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही हैं, बेसिकली सिंबल है ये किसी चीज़ का, दोनों की दोनों, क्रो भी और साथ में ये हेमलॉक ट्री भी. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ग्लूम को दिखा रही हैं, पैसिमिज्म को दिखा रही हैं, डिसअपॉइंटमेंट को, अनहैप्पीनेस को, नेगेटिविटी को, सैडनेस को, तो एक तरह से ट्रबल का सिंबल है, ठीक है. तो ऐसे में क्या हुआ, ये जो पोएट जो इतने ज़्यादा सैड थे यहाँ पर, जब ये इस ट्री के नीचे आकर खड़े होते हैं तो अचानक से ये जो बर्ड है, ठीक है, अब हमें ये नहीं बताया कि ये बर्ड वहाँ पर कैसे आया. तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द वे इट मे बी एनी मीन, कोई भी जरिया हो सकता है, किसी भी तरीके से ये बर्ड जो है उसने उस अपने आप को थोड़ा सा शेक किया, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ट्री है ये स्नो से कवर है. यहाँ पर पूरे ट्री के ऊपर बहुत, क्योंकि विंटर सीजन है, विंटर सीजन में स्नोफॉल हुआ है और स्नोफॉल की वजह से पूरा ट्री जो है वो स्नो से कवर है. और जैसे ही ये जो बर्ड जो है ये अपने आप को थोड़ा सा शेक करता है, कहने का मतलब है मूव करता है, ये मूव किस वजह से कर सकता है, क्या रीज़न हो सकता है, ये हमें पोएम में नहीं बताया गया है. तो एक तरीके से हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो क्रो है ये हो सकता है कि ये वहाँ पर लैंडिंग कर रहा था, ये उस ब्रांच पर आकर बैठ रहा था, जैसे ये उड़कर आया होगा और ये ब्रांच पर बैठा होगा, या फिर ये अपनी अपनी फ्लाइट ले रहा था, ये वहाँ से उड़ान भर रहा था, या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि ये अपने फैदर्स को थोड़ा प्रिंट कर रहा हो, उसको मेंटेन कर रहा हो, ठीक है. तो कोई भी रीज़न यहाँ पर हो सकता है ये जो क्रो है यहाँ पर आया.
और इसकी वजह से इसने आपको थोड़ा सा शेक किया, क्योंकि पोएट जो है वो बिल्कुल इस ट्री के नीचे खड़े हुए हैं, और जैसे ही उस क्रो ने उस ब्रांच को थोड़ा सा हिलाया तो उस ब्रांच के ऊपर जो भी स्नो थी, वो जो स्नो है, उस स्नो का जो डस्ट है, डस्ट का मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो फॉल हो गए, वो गिर गए, और वो गिरने के बाद जो है वो पोएट पर गिरते हैं। और ये यहाँ पर एक एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, एक छोटी सी घटना हुई है, लेकिन इस घटना की वजह से पोएट जो है उनका जो मूड है, ठीक है, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और यही जो स्टैंजा है बेसिकली ये हमें एक छोटी सी बात क्या बोल रहा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। बहुत छोटी सी बात है कि जिस तरीके से उस क्रो ने मेरे ऊपर स्नो का डस्टिंग कर दिया, स्नो को झाड़ दिया, ठीक है, जैसे उस क्रो ने अपने आप को शुक किया, उसको हिलाया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रांच पर जब वो हिला होगा तो उस ब्रांच के ऊपर जो भी स्नो थी, जो भी बर्फ थी ना, वो उसके ऊपर गिर जाती है। और वो कहाँ से गिरती है, उस हेमलॉक ट्री से जहाँ पर कि वो क्रो बैठा हुआ था। और ये जो स्नो है ये किसके ऊपर गिर रही है, बेसिकली यहाँ पर पोएट के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है जो हमें यहाँ पर बताया गया है। और भी छोटी छोटी बातें यहाँ पर इस पोएम के अंदर, इस स्टैंजा के अंदर हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर हम एक चीज़ पर ध्यान दें तो आप ये देखो कि इस पूरे स्टैंजा के अंदर हमें एंजेबमेंट देखने को मिलता है। एंजेबमेंट जो है ये एक लिटरेरी डिवाइस है। जैसे आप देखते हो कि कोई भी पोएम जो है वो बहुत ही सुंदर बन जाती है जब उसमें अलग अलग तरीके से कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे हम हिंदी में काव्य सौंदर्य जो है उसको पढ़ते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में भी पोएम को लिखने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो एंजेबमेंट है, एंजेबमेंट का स्पेलिंग यहाँ पर है ENJABMENT। एंजेबमेंट क्या होता है, वेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क। अगर आपने इस स्टैंजा को ध्यान से देखा है तो किसी भी लाइन के लास्ट में आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं मिलेगा, ना कहीं पर फुल स्टॉप है, ना कहीं पर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका, इट इज़ रनिंग इनटू नेक्स्ट लाइन, पूरी नेक्स्ट से नेक्स्ट लाइन में ये रन कर रहा है, कहीं पर भी आपको कोई फुल स्टॉप यहाँ पर नहीं मिला है। जब इस तरह की पोएम के अंदर आप लाइंस देखते हैं जहाँ पर कोई भी मार्क नहीं होता, पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंजेबमेंट, ठीक है। तो एक ये डिवाइस हमें यहाँ पर इस स्टैंजा के अंदर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर एक चीज़ और हमारे सामने यहाँ पर आ रही है, एंड दैट इज़ एजोनेंस। एजोनेंस जो होता है वो भी एक आपकी लिटरेरी डिवाइस होती है। एजोनेंस का स्पेलिंग है ASONANCE। एजोनेंस में अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो सेकेंड लाइन है इस पर फोकस करो, सेकेंड लाइन में क्या है, शुक डाउन ऑन मी। तो इस लाइन के अंदर एक चीज़ का प्रोमिनेंस है, और वो प्रोमिनेंस यहाँ पर किस चीज़ का है, एक वॉवल साउंड का, और वो वॉवल कौन सा आ रहा है यहाँ पर, ओ। तो ये जो ओ वॉवल है, जैसे शुक, फिर यहाँ डाउन में भी आप ओ को देख रहे हो, ओन में भी आप ओ को देख रहे हो, तो इस तरीके से ये लाइन के अंदर जो बार बार ओ वॉवल का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको जब हम वॉवल का रिपीटेशन होता है उसकी प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एजोनेंस। अगेन दिस इज़ योर लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम। एक चीज़ और हमारे सामने क्या आती है इस पोएम को, जो इस स्टैंजा को जब हम पढ़ते हैं, दैट इज़ सिम्बोलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई गई हैं इस स्टैंजा के अंदर, एक है क्रो और दूसरा है यहाँ पर हेमलॉक ट्री। तो ये जो दोनों की दोनों चीज़ें हैं, जब हम अगर बात करते हैं यहाँ पर क्रो एंड हेमलॉक ट्री की, देन यू कैन सी दैट बोथ हैव नेगेटिव अप्रोच, so both are considered bad basically, so they symbolize trouble, doom, disappointment and negativity etc. तो एक तरह से उन्हें अशुभ समझा जाता है। On the contrary, we have one more agent or aspect of nature, that is snow. Here snow symbolizes purity and peace. तो इस तरह से हमें पॉजिटिविटी का एहसास होता है। स्नो बिंग वाइट इन कलर गिव्स अस साइन ऑफ पीसफुलनेस एंड ऑप्टिमिज्म। वेल in next slide here we have second stanza, so I will recite it once for you. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So here the poet is talking about the result or the impact of the small incident that took place in first stanza. Aur wo incident kya tha, falling of snow from the hemlock tree on the poet, and it was caused by a crow. सो आई मीन क्रो की वजह से जो थोड़ी सी स्नो पोएट के ऊपर गिरती है जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे, तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारी नेगेटिव थिंग्स के बीच में
और एक अच्छी बात हो गई है यहाँ पर। और ये जो अच्छी बात है वो क्या है, स्नो का गिरना। अब स्नो क्योंकि व्हाइट कलर की होती है और व्हाइट कलर जो है वो पीस और प्योरिटी का सिंबल होता है, तो जिसकी वजह से पोइट का मूड एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। और अगर यहाँ पर पोइट की जगह कोई और रहा होता तो वो इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों को देखकर, जैसे क्रो था, हेमलक ट्री था, डस्ट ऑफ स्नो का उनके ऊपर एकदम से गिरना था, तो शायद वो बहुत ही उदास हो जाता। लेकिन यहाँ पर पोइट के केस में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिकॉज ही टुक दिस इंसिडेंट इन अ वेरी डिफरेंट वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो इसलिए स्टैंजा टू में भी एक तरह से यही बात हमें कही गई हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो यहाँ पर पोइट क्या बोल रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से मेरा जो हार्ट है, मेरा जो मूड है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो एकदम से बहुत चेंज हो गया है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट, पोइट को ऐसा फील होता है उस समय पर। और साथ में वो ये भी बोलते हैं, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। कहने का मतलब है कि अभी जो पोइट है वो पूरा का पूरा जो दिन है, रूड मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी वो पूरा दिन बहुत ही दुखी रहते, बहुत ऐसे रिग्रेट फील करते, और अभी वो सब चीज़ नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इस इंसिडेंट ने उनके एक दिन के आधे हिस्से को बचा दिया है, क्योंकि वो आधा हिस्सा, आधा दिन जो है बहुत ही खुशी खुशी बिताने वाले हैं। ठीक है, तो दिस वॉज दी एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड स्टैंजा। नाउ लेट्स फोकस ऑन द लिटरेरी डिवाइसेज यूज इन दिस स्टैंजा। तो देख लेते हैं कि इस स्टैंजा में कौन से लिटरेरी डिवाइसेज यहाँ यूज हुए हैं। इन द वेरी फर्स्ट लाइन आई कैन सी हियर एलिट्रेशन। तो हम जब सबसे पहली लाइन की बात करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में हैज़ गिवन माई हार्ट, तो इनिशियल पोजीशन पर जो वर्ड है वो हैज़, और लास्ट पोजीशन पर जो वर्ड है दैट इज़ हार्ट। तो यहाँ पर आप देखो कि किस तरीके से जो ह साउंड है, हैज़ के अंदर और हर्ट के अंदर भी ह साउंड, तो इस तरीके से जो एच एच लेटर का रिपीटेशन है यहाँ पर हमें एलिटेशन देखने को मिलता है। तो एलिटेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी का इस्तेमाल किया गया है। और एक तरीके से ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे हिंदी में अगर आपने पोइम्स पढ़ी हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें अनुप्रास अलंकार का यूज़ होता है, तो उसमें एक ही वर्ण जब बार बार आता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सो सिमिलरली इन इंग्लिश ऑल्सो वी कॉल इट एलिट्रेशन। सो एलिट्रेशन इज द अक्रेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। सो मैंने यहाँ पर आपको हैज और हर्ट का एग्जाम्पल दिया। सिमिलरली इन थर्ड लाइन ऑल्सो वी सी हियर द सेम एलिट्रेशन, दैट इज सेव्ड एंड सम। सेव्ड, इन सेव्ड वर्ड यू कैन सी स साउंड इज देयर एंड लेटर ऑफ एस, दिस इज द रिपीटेशन हियर। तो एक तरह से हमें यहाँ पर फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में सेव्ड और सम, हैज़ और हर्ड, इन दोनों में हमें जो लेटर्स हैं उनका रिपीटेशन देखने को मिलता है, तो एक तरह से यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस जो देखने को मिलती है, दिस इज एंजैपमेंट। तो एंजैपमेंट जो है, दिस इज ऑल्सो दिस वॉज ऑल्सो गिवन इन फर्स्ट स्टैंजा एज वेल। एंड एंजैपमेंट में होता क्या है, जब कोई भी सेंटेंस जो होता है दैट रन्स इन टू नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज़ ऑफ एनी पंचुएशन मार्क। तो आप यहाँ पर बहुत ही क्लियरली इस चीज़ को देख सकते हैं कि हर्ट, मूड, पार्ट, इनके बाद में कहीं पर भी किसी फुल स्टॉप का, कोमा का, पंचुएशन मार्क का यूज़ नहीं हुआ है, सीधा लास्ट में जाकर यहाँ फुल स्टॉप लग रहा है, तो एक तरह से इसको हम एंजैपमेंट बोलते हैं। नाउ अगेन वी सी अनदर लिटरेरी डिवाइस, दैट इज कॉन्सोनेंस। तो जिस तरीके से हमने एजोनेंस हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, और एजोनेंस के अंदर क्या था, जो ओ लेटर का जो वाउल था उसका रिपीटेशन हो रहा था, ठीक है, तो उसके अंदर जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो किस चीज़ का यहाँ पर प्रोमिनेंस था वॉवल साउंड का, तो वो एजोनेंस बन जाता है। तो इसी तरह से कॉन्सोनेंस में भी क्या होता है, बेसिकली जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसका रिपीटेशन होता है, और ये जो रिपीटेशन है इट मे बी इन द बिगनिंग, मिडल और फाइनल पोजिशन, कहीं पर भी हो सकता है। सो हेयर इन लास्ट लाइन यू सी ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो यहाँ पर ये जो ड साउंड है, डे डे में ड आ रहा हैड में, फिर लास्ट में इधर ड साउंड आ रहा है, और फिर ड्यूट के अंदर भी आपको ड साउंड देखने को मिल रहा है। सो डी डी जो ये साउंड है, ठीक है, ड साउंड जो हमें बार बार देखने को मिलता है, तो ये कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम जो लिटरेरी डिवाइस के तौर पर बोलेंगे तो उसको हम कॉन्सोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो राइम स्कीम की अगर हम बात करें इस स्टैंजा के अंदर, तो राइम स्कीम जो है, वेल इफ़ यू टेक दिस पोएम ऑल टुगेदर,
सो वी फाइंड अ राइम स्कीम इन सेकेंड स्टैंजा, और ये राइम स्कीम क्या कहलाएगी आपकी, सी डी सी डी। जैसे अगर हम बात करें क्रो और स्नो, उसको हमने लेबलिंग किया था ए के साथ में, मी और टी जो है उसको हमने बी के साथ लेबलिंग किया था, हार्ट और पार्ट जो है उसको हमने सी के सी लेटर से हमने उसको लेबल किया था, और अभी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो क्रो और स्नो जो है वो आपस में राइम कर रहे हैं, मी और ट्री फिर अगेन अलग से वर्ड्स आ जाते हैं जिसको हम बी कह सकते हैं, हार्ट और पार्ट ये भी पूरी पोएम में बिल्कुल अलग से वर्ड्स हैं, तो इनको हम सी कह सी लेटर से हम लेबलिंग कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर हम लास्ट में देखें तो मूड और रूड, ये भी कहीं पे किसी भी वर्ड के साथ में राइम नहीं बनाते हैं, तो इनको हम डी के साथ में हम इसको लेटर के साथ में हम इसका लेबलिंग कर सकते हैं। तो इसका जो राइम स्कीम बनता है दैट इज़ सी डी सी डी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। दैट इज़ एक्चुअली आई हैव गिवन यू एक्सप्लेनेशन, वोकैबुलरी एंड लिटरेरी डिवाइसेज यूज इन दिस पोएम। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वेल। Well, in next slide, this is central theme of the poem. I just want to read it for you. Always, always a larger significance. A little thing touches a larger thing, is the quotation given by Robert Frost. This poem also expresses the significance of small things in changing one's attitude. In the present poem, Robert Frost has touched upon the different aspects of nature. There are certain things and incidents in nature which are not considered auspicious, such as crow, bird, and hemlock tree. He has depicted them to create negative picture in the poem. But when the crow shakes off the dust of snow from the hemlock tree, it falls on the poet. Though it is a bad omen, but when he sees snow, his mood changes because the snow being white in color represents peace and purity. The poet takes it in a positive way and uses his entire day in a fruitful way. His negative outlook changes into positive one. Similarly, we should also be positive in our life and try to come out of gloomy situation as soon as possible to make the best use of our time. So I have read out this central theme for you. This is your final slide. So here I have given you all the literary devices used in the poem for better understanding. I hope you will go through this video and try to get the idea that is conveyed in the poem. I just want you people to write the answers of textual question on your own. Thank you very much for listening me, and goodbye.